हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंदर किस प्रकार से हम अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं और अटेंडेंस रिकॉर्ड करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है या नहीं होता है और अटेंडेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करना है, तो ये टैली प्राइम का एडिट लॉग जो लेटेस्ट है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये जैसे ही ओपन होगा तो हम इन हो जाएंगे इसे और इन होने के बाद एक कंपनी हम बनाएंगे और उसमें जो है पहले तो हम एजुकेशनल मोड में इन होते हैं, यहाँ से ये इन हो गए हम और इन होने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक कंपनी बनानी है। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी पे जा सकते हैं, ठीक है। कोई पुरानी कंपनी भी ले सकते हैं लेकिन पुरानी कंपनी लेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, तो ये क्रिएट कंपनी पे चले गए, क्लिक किया। जैसे क्लिक करेंगे तो इन हो जाएंगे। अब ये कंपनी है, कंपनी का नाम आपको देना है, ठीक है। जैसे कंपनी का नाम है माई पर्सनल कंपनी, ये मान लीजिए लिख दिया। ये कंपनी का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, जो भी आपके कंपनी का नाम हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये माई पर्सनल कंपनी के नाम से कर दिया और यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे। तो ये एड्रेस हो गया हमारा न्यू कॉलोनी देवरिया, DEORIA। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया। आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आएगा आपका लोकल एड्रेस, यानी आपका जो स्टेट है वो आएगा, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर कंट्री दिख रही है आपको, इंडिया लिखा हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश हमने कर दिया। आपका जो भी स्टेट बनता हो उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 274001 ये हमारे पिन कोड है, तो आपका जो भी पिन कोड होता है वो डाल दीजिएगा। फिर फोन नंबर, वेबसाइट, ईमेल, तमाम बातें आएंगी, इन सबको एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो एक नई विंडो ओपन होती है, ठीक है। अब इसमें आप GST चालू कर सकते हैं, ठीक है, और भी तमाम चीज़ें चालू या बंद कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है। देख सकते हैं टैक्सेशन वाला सेक्शन है, अगर आप वैट में डील करते हैं तो वैट भी चालू कर सकते हैं, एक्साइज ड्यूटी चालू कर सकते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हमें फिलहाल क्या चालू करना है, हमें तो चालू करना है पेरोल। तो यहाँ पे मेंटेन पेरोल नाम का एक ऑप्शन आएगा, डबल क्लिक करके और इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद नीचे फिर आएगा इनेबल पेरोल स्टेटरी, तो यहाँ से इसको भी यस करना है और यस करके एंटर कर देना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। अब जो हमारा कंपनी का कोड है वो है 123, ठीक है, और फिर अकाउंट ग्रुप कोड जो है वो है 678, ठीक है, और कंपनी का सिक्योरिटी कोड जो भी होता है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा और फिर कंपनी कोड, ब्रांच ऑफिस जो भी होता है वो आपका ESI ब्रांच ऑफिस या जो कुछ भी हो, जैसे जैसे जो चीज़ दिया गया है वो तो सारा डालते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पे ये गवर्नमेंट है या अदर्स है तो यहाँ फिलहाल अदर्स कर देते हैं और डिडक्टर ब्रांच या डिवीज़न का नाम यहाँ पे मैं देवरिया ही डाल देता हूँ और भी डिटेल आप फिल कर लीजिएगा और फिल करते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये देखिए ये मैंने एक्सेप्ट करा लिया। पैन नंबर भी आप डाल सकते हैं, पैन की डिटेल भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे। लेज़र किसका बनाएंगे, बैंक का बनाएंगे लेज़र। तो बैंक में कौन सा बैंक, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट कर दिया। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पर इस तरीके से ये लिख देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर IFSC कोड, स्विफ्ट कोड और यहाँ पे ब्रांच नेम आएगा। तो यहाँ पे ब्रांच नेम देवरिया कर देते हैं और बाकी सारी डिटेल आप भरते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक लेज़र क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। मैंने इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला है, नीचे आप यहाँ पर जाकर के ओपनिंग बैलेंस भी चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला नहीं। अगर डालना होगा तो क्या करना है, तो मान लीजिए एक्सेप्ट करा दिया तो यहाँ से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा और वापस कहाँ आइएगा, अल्टर पे आइएगा। तो बाहर जब आइएगा तो ये अल्टर ऑप्शन दिखाई देगा, ये टैली के मेन मेन्यू है और यहाँ पर आकर के अल्टर करिएगा और लेज़र पे जाकर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लेज़र को अल्टर कर लीजिएगा और एंटर करके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस अगर डाल देंगे तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंस मैं डाल रहा हूँ, देख सकते हैं ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है और यहाँ पर डेबिट अपने आप आ गया है, तो ये हो गया। अब इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, वी बटन प्रेस करके और अटेंडेंस रिकॉर्ड करना है। अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करने के पहले हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे आएंगे, ये क्रिएट आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये एम्प्लॉय ग्रुप है, एम्प्लॉय है, ठीक है। तो पहले तो हम एम्प्लॉय ही बना लेते हैं, तो यहाँ एम्प्लॉय पे आते हैं और एक एम्प्लॉय बनाते हैं राज, ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं और इसका ग्रुप, तो ग्रुप अल्ट सी करके आप बना सकते हैं। तो
इनका ग्रुप इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दे देता हूँ अकाउंट्स, CoUNTS अकाउंट्स हो गया, एंटर करेंगे और यहाँ पर ये सैलरी की डिटेल को यहाँ से आप डिफाइन चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से नहीं करेंगे, नीचे आएंगे यहाँ से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आए, यहाँ पे यस कर दिया और अब यहाँ पर सैलरी की डिटेल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले बेसिक सैलरी बनेगी जो कि बड़ी कॉमन सी बात है। ये हो गया बेसिक सैलरी, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको भी कर देना है। और बेसिक सैलरी अर्निंग ही होती है और ये फिक्स्ड रहेगी। और यहाँ से नीचे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आएंगे नीचे और यहाँ पर आकर के ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आकर के क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आते हैं तो ऑन अटेंडेंस रखना है, ठीक है। ऑन अटेंडेंस रखा, एंटर किया और यहाँ पर एक बना लेंगे हम अल्ट सी करके, क्या बनाएंगे, लीव बना लेते हैं, लीव या कुछ भी ऐसे, ठीक है। एंटर करके यहाँ आएंगे और ये फिर सैलरी जो है मंथली ही मिलेगी, ठीक है। और बाकी यहाँ कैलेंडर पीरियड रख के नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लेना है और यहाँ सैलरी दे देनी है। तो मान लीजिए कि सैलरी है 35,000, तो यहाँ पे 35,000 डाल दिया हमने और ये मंथली मिलेगा और यहाँ पे TA आएगा, तो ये हो गया ट्रेवलिंग अलाउंस TA। और यहाँ पे ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, से एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देना है और कंप्यूटेड वैल्यू करके नॉर्मल राउंडिंग करके यहाँ पर आएंगे और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला के तहत आएंगे। और बेसिक सैलरी का यहाँ पर देखिएगा, अगर बेसिक सैलरी 15,000 तक है, ये देखिए मैंने दे दिया, तो यहाँ पे 2% मान लीजिए TA मिलेगा और 15,000 से ऊपर और 25,000 तक है तो यहाँ पर कितना मिलेगा, तो यहाँ पर कर देता हूँ 2.5%, ठीक है, 2.5%, और उससे ज़्यादा चाहे जितना हो तो यहाँ पर 3%। तो ये इस तरीके से स्लैब डिसाइड कर दिया और बाकी की चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर बाहर आते हैं हम, इन सब चीजों से बाहर आना है, हमें कहाँ चलना है, सीधा अटेंडेंस रिकॉर्ड करने के लिए चलना है। तो वी बटन प्रेस करके और बाउचर में जाना है। देखिए ये अदर बाउचर ऑप्शन, यहाँ पे आपको पेरोल नाम का बाउचर दिखेगा नहीं क्योंकि सब दिख रहा है, यहाँ पे कंट्रा दिख रहा है, पेमेंट दिख रहा है, रिसिप्ट दिख रहा है, जनरल दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, परचेज दिख रहा है, लेकिन अदर बाउचर में जाने के लिए F10 ही करना है। तो या तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए या तो F10 प्रेस कर दीजिए। तो हम यहाँ क्लिक कर देते हैं और क्लिक करके आएंगे तो देखिए पेरोल दिख रहा है और अटेंडेंस। तो पहले तो हमें अटेंडेंस ही रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये वीडियो अटेंडेंस के लिए ही है, ठीक है। तो अटेंडेंस पे जाएंगे और अब यहाँ पर अब हो गया ये, अब ये लीव कितने दिन इन्होंने लिया है, जैसे मान लीजिए सैलरी तो 35,000 है लेकिन अगर 25 दिन ये लीव पे ही रह गए तो सैलरी ज्यादातर कटेगी, ठीक है, और कटेगी तो फिर दिक्कत है, ठीक है, सैलरी कम हो जाएगी। अब ये कम होगी कि नहीं होगी ये चेक करना होगा। तो कैसे जाएंगे, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं। तो बैंक अकाउंट में तो हमने पैसे रिसीव कराए, तो इसके लिए एक दिक्कत होगी कि यहाँ पर नेगेटिव कैश आएगा आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको आगे देखेंगे। नेगेटिव कैश का समाधान मैं कई बार बता चुका हूँ। तो पेरोल वाउचर में चलते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करके एंटर कर लीजिएगा और यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर लगाएंगे, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे आ गया है और इसमें 50,000 रुपए हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे राज के सैलरी की बात होगी, तो यहाँ पे राज का सैलरी का डिटेल आएगा। तो यहाँ पे ऑटो फिल करेंगे हम, ये पेरोल ऑटो फिल पे जाएंगे और यहाँ पर जो है सैलरी करेंगे, ठीक है। और यहाँ क्योंकि फीस का डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे 1 मई कर देते हैं, 1 मई 2024, और एंटर करके आएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के हिसाब से हम देंगे सारी चीजें और ये स्टेट बैंक से कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनकी सैलरी हमने 35,000 दी थी उनका सैलरी कट करके कितना मिल रहा है, 7,101, क्योंकि ऑलरेडी ये 20 दिन अब्सेंट है, दैट्स वाई, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं आप, ये चेक के थ्रू मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ से पे स्लिप देखेंगे। तो पे स्लिप देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर और फिर यहाँ से आना पड़ेगा कहाँ पर, पेरोल रिपोर्ट पर। तो पेरोल रिपोर्ट पे आ गए और पे स्लिप पे आ गए और यहाँ पर आएंगे तो राज ये नाम था, ठीक है। तो अभी अगर मैं अल्ट पी करता हूँ और एंटर करता हूँ और आई बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि सैलरी किस तरीके से इनकी बनी हुई है, ठीक है। देखिए सैलरी कुछ इस तरीके से जनरेट हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी कुल मिला के ग्रॉस सैलरी इनकी बननी थी 36,050 रुपए, लेकिन ये कुछ दिन एबसेंट भी रह गए जिसकी वजह से उनकी सैलरी कट गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको सैलरी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। इन्हीं की सैलरी जब सेकेंड मंथ की बात आएगी, जैसे यहाँ पे मंथ में चेंज कर रहा हूँ,
जरा देखिएगा, F2 डेट चेंज कर रहा हूँ, जरा देखिए, जुलाई, ठीक है, 31/7/2024, ठीक है। अब ये डेट आ गया, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे वापस से वही सैलरी इनको प्रोवाइड करनी है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सैलरी देंगे हम और राज्य को सैलरी जाएगी ये, तो यहाँ से फिर ऑटो फिल करेंगे हम, ठीक है। लेकिन ऑटो फिल भी करने के पहले हम एक बार अटेंडेंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो पहले आपको अटेंडेंस ही रिकॉर्ड करना है, अदर वाउचर में जाकर के पहले अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए। जैसे ही अटेंडेंस पे आए और यहाँ पर ये लीव इन्होंने कितने दिन लिया, तो इस बार मान लीजिए कि लीव इन्होंने सिर्फ 10 ही दिन लिया, ठीक है, 10 दिन का ही पैसा कटेगा, ठीक है। एंटर करेंगे और यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर पेरोल वाउचर में जाएंगे वापिस, तो अदर वाउचर में जाके पेरोल वाउचर में जाएंगे और एंटर करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे, और यहाँ पर राज का लेजर इंसर्ट करके ऑटो फिल कर देंगे। तो यहाँ से जैसे ही ऑटो फिल करेंगे अपना, तो सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये सैलरी कैलकुलेट होगी, राज की सैलरी है, ठीक है, और एंटर करेंगे और ये जाएगा स्टेट बैंक से, ठीक है। देखिए यहाँ पर सैलरी में कितना इफेक्ट आ गया, यहाँ पर जितने दिन ये एबसेंट रहे तो उससे कम दिन एबसेंट रहे, 10 ही दिन एबसेंट रहे, तो इस हिसाब से देखिए 24,302 रुपए बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एंटर करके इसको अगर एक्सेप्ट करा लेता हूँ, और यहाँ से हम पे स्लिप देखते हैं इनकी, तो देखिए यहाँ से पे स्लिप मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से नीचे आइए और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाइए, और यहाँ से सैलरी स्लिप देखिएगा इनका, पेरोल रिपोर्ट में जाके पे स्लिप देखिए राज का, ठीक है। तो यहाँ से अल्ट पी करके दिखा देता हूँ कि कितनी सैलरी पे स्लिप पे कितना दिखा रहा है सैलरी, तो देखिए यहाँ पर सैलरी कुल इनकी बननी थी 36,050 रुपये, लेकिन बनी है कितनी, 24,302 रुपये। दैट क्यों बनी है ऐसे, क्योंकि 10 दिन की सैलरी है, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि लीव 10 डेज लिखा है ना, तो इसीलिए 10 दिन की लीव लेने के चलते जो है अटेंडेंस की डिटेल आपको पहले बनानी है, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, तो अटेंडेंस की डिटेल आपको हर हाल में पहले ही बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे क्या करना है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।